हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवा कला 247। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शौचालय कैसे ऑनलाइन करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑनलाइन करने का तरीका बताया था, लेकिन वो जो तरीका था वो पंचायती राज जो साइट है उससे ऑनलाइन करने के लिए बताया गया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि ग्रामीणों यानी कस्टमर्स को हम जो उसका रिसीविंग है शौचालय जैसे ऑनलाइन के बाद में एक रिसीविंग दिया जाता है वो प्रिंट नहीं हो पाता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एक ऐसी साइट जिससे आप उनको रिसीविंग भी दे सकते हैं शौचालय के ऑनलाइन करने के बाद, और उनका जो स्टेटस है कि अप्लीकेशन हमारा कहाँ से किस स्टेज पर पहुँचा और उनको अभी मिलने तक कितने टाइम तक का वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक साइट एक पोर्टल दिख रहा होगा जो कि हमने लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है। इस साइट का नाम है SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो इसी पर आपको एक सिटीज़न आईडी अपने ग्राम पंचायत से क्रिएट करनी होगी। उसके बाद से आपको कुछ लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना नहीं आता है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आईडी कैसे क्रिएट करेंगे वो अगला वीडियो, उसका एक अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे करेंगे और उसका जो रिसीविंग है वो चीज़ हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन और एक चैन पासवर्ड का। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हम ओपन होते ही हम देख लेंगे कि हमको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सभी कॉलम्स को भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ओपन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हालाँकि ओपन हो गया है, तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना है, अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक आपका जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत का नेम, फिर आपका विलेज का नेम, उसके बाद हैबिटेशन यानी कि कौन सा गाँव मोहल्ला जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपको आ जाना है सेक्शन B में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ दी एप्लीकेशन एज पर आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड जिनका आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड पे क्या नाम है वो चीज़ आपको यहाँ पर उनका नेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उनके आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख कर आएगा आधार कार्ड नंबर वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन भरना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी आधार एग्जिस्ट अगर बता रहा तो यानी कि उनका ऑनलाइन हो चुका है, उस आधार कार्ड से दोबारा ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट उनके फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद उनका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, यहाँ पर उनका कैटेगरी कौन सा है, APL VPL जो भी कार्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पर उनका सब कैटेगरी क्या है, ठीक है, वो चीज़ हमको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में कार्ड का टाइप क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लिया BPL कर देते हैं। BPL करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि उनका जो सब कैटेगरी यानी कि जनरल के हैं, ST के हैं कि SC के हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटेड आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर हटा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर उनका आधार कार्ड का जो नंबर है वो हमने ऑलरेडी जैसे ऊपर अगर हम भरेंगे, यहाँ पे हम ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर हम भरेंगे। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पर हमारा ऑटोमेटेड शो कर देगा, इससे हम यहाँ पर अगेन हमको नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर भर देना है, जीमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनका एड्रेस फिल कर देना है। नेक्स्ट हमको सेक्शन C में चले जाना है, उनका जो बैंक अकाउंट है। ठीक है, वो ये IFSC कोड यहाँ पर भर रहा था, इसको हमको रिमूव कर देना है। यहाँ पर उनका IFSC कोड भरना है। ठीक है, तो इसको मैं फिर उनका जो जैसे ही आप IFSC कोड यहाँ पर भरते हैं उनका जो बैंक का नेम है वो यहाँ पर आ जाता है और उनका जो ब्रांच है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर ब्रांच अगर गलत आ रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच एड्रेस है वो ऑटोमेटेड आपका सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। स्टेट भी, बैंक स्टेट वो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पर आपको उनका अकाउंट नंबर फिल कर देना है और एक बार और यानी कि दो बार यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है, एक यहाँ पर और यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर पर। उसके बाद जो उनका
स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, यहाँ पर पासबुक उनका अपलोड कर देना है। फिर जो कि जो उनका पासबुक है वो PDF, JPG, JPEG, PNG किसी भी फॉर्मेट में चल जाएगा, लेकिन जो पासबुक का फ़ोटो कॉपी है यानी कि होगा जो पासबुक है वो हमारा 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अप्लाई क्लिक करने के बाद आपको एक नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, उसको आप कॉपी कर लेना है। अगर नहीं भी कॉपी करते हैं तो आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद हमको व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसी यहीं से आपको जो कस्टमर का प्रिंट आउट है वो भी देना है, ठीक है। यहाँ व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन होता है, यहाँ पर हमारा जो जो भी हमने ऑनलाइन किया है वो लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर हमको कस्टमर का जो प्रिंट आउट है वो देना है रिसीविंग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर में, कुछ इस प्रकार से उसका जो डिटेल है वो ओपन होगा, ठीक है। यही चीज़ हमको कंट्रोल पी यानी प्रिंट करके दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको उनका स्टेटस चेक करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा, वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, तो सबसे लास्ट में ट्रैक स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेज हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हो गया हमारा, फिर एप्लीकेशन स्क्रूटनी डन होगा तब यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, उसके बाद एलोकेशन फॉर जियो टैगिंग, फिर जियो टैगिंग IHHL, ठीक। फिर उसके बाद में यानी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो पूरा स्टेप जब कम्प्लीट हो जाएगा तो हमारा जो शौचालय है वो उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका ID पासवर्ड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका आप अपने ग्राम पंचायत से अपना ID पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।